टी20 में टेस्ट वाला खेल दिखाया। केएल राहुल ने एक बार फिर लखनऊ का था बेड़ा गर्क कराया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लखनऊ के कप्तान केएल राहुल आईपीएल 2023 में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। खराब फॉर्म ही नहीं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। भारतीय टीम से भी जब वो खेल रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट एक बड़ा इशू और क्वेश्चनेबल बनता जा रहा था। फिर जब आईपीएल में भी आए तो लगा शायद आईपीएल में हर दबाव से मुक्त होकर बिंदास अंदाज में केएल राहुल खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे भी वो अनवांटेड प्रेशर अपने ऊपर लेते जा रहे हैं और अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको काफ़ी गिराते जा रहे हैं। अगर हम बात करें केएल राहुल के आज के मैच की, तो उन्होंने पूरी तरीके से अपना प्रयत्न किया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला हार जाए। भला हो वो तो मार्कस स्टोइनिस की, जिन्होंने 216 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, तो वहीं निकोलस पूरन ने तो आज इतिहास ही रच दिया, 326 के स्ट्राइक रेट से कूटा आरसीबी के गेंदबाजों की। अगर हम इन दोनों के स्कोर कार्ड की बात करें तो स्टोइनिस ने 30 गेंदों पे 65 रन बनाए, तो वहीं पूरन ने 19 गेंदों पे 62 रन ठोक दिए। लेकिन बात करते हैं कप्तान केएल राहुल की इस मैच के 20 गेंदों पे जनाब ने 18 रन बनाए। आपको भी पता है ये टी20 क्रिकेट हो रहा है जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो केएल राहुल जैसे कैलिबर वाले प्लेयर से, तो यही एक्सपेक्ट करते हो कि आप 20 बॉलों पे एटलीस्ट 40 रन बनाकर जाओ, लेकिन रन अ बॉल से भी रन कम है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है केएल राहुल के लिए। वो अपने विकेट को ज्यादा ही प्राइस टैग देने लगे हैं, ज्यादा ही महत्वता देने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मेरा विकेट गया तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग धराशायी हो जाएगी। लेकिन गंभीर ने ऑक्शन टेबल पे कोई खेल नहीं खेला था। उन्होंने पूरी तरीके से ऐसी टीम बनाई है कि किसी एक के ऊपर ये टीम डिपेंडेंट ना हो। इस टीम में मार्कस स्टोइनिस हैं, इस टीम में कुणाल पांड्या हैं, इस टीम में निकोलस पूरन जैसे फिनिशर हैं, आयुष बदोनी जैसे युवा खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर इस टीम को जिता सकते हैं। तो केएल राहुल को चाहिए कि जब उनको ऐसी टीम मिली है तो वो प्रेशर ना लें और जो एक्स्ट्रा अपने ऊपर दबाव ले रहे हैं वो दबाव ना लें, और जिसके कारण वो काफी ही स्लो खेल रहे हैं और ये टीम के हित में कहीं से नहीं जा रहा है, ये टीम का अहित ही करवा रहा है। इनके कारण कुछ मैचेज लखनऊ सुपर जायंट्स इस सीजन हारी भी हुई है। अगर हम बात करें पहले मैच की, अगर इनके आईपीएल 2023 के सभी स्कोर कार्ड नजर डाल लीजिए, तो पहले मैच में 12 गेंद खेले, मात्र 8 रनों का स्कोर किया। तो वहीं दूसरे गेंद में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जहां पे अन्य बल्लेबाज स्ट्राइक कर रहे थे, तो 18 गेंदों पे मात्र 20 रन बनाए, और ये जो पारी थी इनकी यहां पे हार की कारण बनी थी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो मैच जो लखनऊ सुपर जायंट्स को आसानी से जीतना चाहिए था। फिर अगले मैच में हालांकि पिच कठिन थी, 31 गेंदों पे 35 रन, और ऐसे पिचों पे अब राहुल का चलने का टेंडेंसी भी हो गया है जहां उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है कि हिटिंग करने का, मतलब उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया है कि हिटिंग न करना हो तो आराम से वो सिंगल डबल लेकर खेल लेते हैं, लेकिन जहां हिटिंग की बात आती है, जहां थोड़ी सी डिमांड होता है कि रिक्वायर्ड रन रेट काफी हाई जा रहा है, वहां पे वो पहले तो गेंद को खूब खाते हैं फिर अपना विकेट फेंक कर चले जाते हैं। पिछले कुछ आईपीएल में भी वो ऐसा ही करते आ रहे थे, लेकिन होता क्या था कि केएल राहुल एक इंड पर जरूर दूसरे इंड वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव तो बनाते थे, लेकिन अंत में जाते जाते स्ट्राइकिंग कर देते थे, जिसके बाद इनके जो स्ट्राइक रेट का क्वेश्चन था वो खत्म हो जाता था, लेकिन अन्य जो बल्लेबाज थे उनके ऊपर हमेशा इनकी वजह से, इनके स्ट्राइक रेट की वजह से दबाव बना रहता था। तो एकमात्र हर टीम से, चाहे पंजाब किंग्स से ये खेले हो, तो यही बस चलते थे, इनके अलावा कोई बल्लेबाज नहीं चलता था। एक मयंक अग्रवाल जरूर ओपनिंग पार्टनरशिप में इनका साथ दे देते थे, लेकिन इनकी पारी की वजह से अन्य बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनता था, अनवांटेड प्रेशर वो भी ले लेते थे, जिसके कारण अन्य बल्लेबाज इनके अलावा नहीं चल पाते थे, और पंजाब किंग्स के विलय का एक कारण ये केएल राहुल का स्ट्राइक रेट था। और यहां पे पहली बार हुआ है आईपीएल 2018 के बाद कि केएल राहुल 4 मैच लगातार बीत गए हो और 40 का स्कोर भी प्लस नहीं पार किया हो, तो इस बार तो कंसिस्टेंसी भी मिसिंग है, प्लस हर बार की तरह स्ट्राइक रेट भी इनका क्वेश्चनेबल है। तो दोनों तरीके से इस बार केएल राहुल विफल दिख रहे हैं। अगर ये कंसिस्टेंट रहते, थोड़ा सा बॉल शुरू में खाते, जैसे 20 बॉलों पर 18 रन, तो अगले 20 बॉलों
पे 40 बना देते तो फिर ये स्ट्राइक रेट का क्वेश्चन यहाँ अराइज नहीं होता। लेकिन जब आउट हो जा रहे हो, आप अपने स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, फिर ये क्वेश्चनेबल है। और ये इनिंग्स जो इस साल खेली हैं, ये इनिंग्स कहीं से भी आपको टीम के हित में नहीं जाती हैं, बल्कि टीम का अहित भी करती हुई दिख रही हैं। आपको हर मैच में निकोलस पूरन 326 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते, हर मैच में मार्कस स्टोइनिस 216 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ये जो इनिंग है इनकी, ये दूसरे जो इंड पे बल्लेबाज खेल रहे हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करता है। ये तो जरूर एश्योरिटी देता है कि आप सेफ्टी से खेलते हो, आप सेफली से सेफ होकर खेलते हो, लेकिन अदर इंड का जो बल्लेबाज है उसको एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है कि अब इस ओवर में अगर हिटिंग नहीं किया तो रिक्वायर्ड रन रेट भागता हुआ नजर आएगा। तो ये जरूर दर्शाता है कि ये अपने विकेट पर काफी प्राइस टैग दे रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम किसी एक के प्लेयर के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। फ्रॉम द टॉप टू फिनिशर्स सभी इतने कैपेबल प्लेयर हैं कि अपने दम पे मैच जिता सकते हैं अपने दिन पर। और आज वही निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने करके दिखाया। अभी इस टीम में क्वेंटन डिकॉक का शामिल होना बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो विध्वंसक बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर आप अपने बैटिंग को इतना प्राइस टैग दे रहे हो तो फिर ये कहीं से लाजमी नहीं है। बस यही मैं कह सकता हूं कि आप अपने कप्तानी का नाजायज फायदा उठा रहे हो, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो अदर इंड पे बल्लेबाज है उसको भी आपको ऐसा करना चाहिए कि वो फ्रीली खेल सके, जिस कारण उसके ऊपर प्रेशर न आए, क्योंकि वो भी आखिरकार ह्यूमन ही है, वो भी कुछ बॉल लेगा अपने आप को सेटल करने में। हर बार निकोलस पूरन सेकेंड बॉल से ही हिटिंग नहीं लगाएंगे, और अगर वो फिर विकेट फेंकेंगे तो उनके ऊपर क्वेश्चन अराइज हो जाएगा कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो जरूर केएल राहुल को इस विषय पे सोचना होगा और समझना होगा कि आईपीएल और टी20 क्रिकेट को उन्हें टी20 क्रिकेट के हिसाब से ही खेलना चाहिए, उसमें टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई क्रिकेट का फ्लेवर नहीं लाना चाहिए। ये उनके भी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क अराइज करता है। तो उनको खुलकर बिंदास केएल राहुल खेलना चाहिए, जो अश्विन की अगुवाई में पंजाब किंग्स से खेला करते थे, जिसने 14 बॉल पे 50 लगाया हुआ है। तो अगर ऐसा केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स देखेगी तभी मैच में मजा आने वाला है। अदरवाइज फिर से कई ऐसे मैचेस जाएंगे जहां केएल राहुल अपने बल्लेबाजी के कारण लखनऊ सुपर जायंट्स को हराते हुए दिखेंगे। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।